जितनासी अब आपको खबर देते चले। कमिश्नर मुल्तान डिविजनल डॉक्टर इशाद अहमद ने मरकज खरीद गंदम बनी शेल्स का दौरा किया। इस दौरान महकमा फूड के अफसरान को हदायत देते हुए कहा कि गंदम फरोख के लिए आने वाले किसानों के हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। किसान की मेहनत की वजह से हमें खुराक मैसर आती है। बाद रमज़ान बाजार का भी दौरा करते हुए कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने रमज़ान बाजार में अशिया खुर्दनोश की कीमतों क्वालिटी और फराहमी का जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने सब्ज़ी फ्रूट करियाना चिकन गोश्त और मशरूबात के स्टॉल्स का भी मुआयना किया। आपको बताते चलें कि इरशाद अहमद ने कहा कि रमज़ान बाजारों में हुकूमती सब्सिडी पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए अवाम को रिलीफ फराम करना वली तरजीह है। रमज़ान बाजार में अवाम को अशिया खुर्दनोश की फराहमी में किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आटा और चीनी के रिकॉर्ड को बाकायदा से मुरतब किया जाए, नरखों पर फराहमी जारी रखी जाए। रमज़ान बाजारों में अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मेहाड़ी मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हुकूमत और इसके अलावा मर्दों के लिए चीनी और आटे के अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। रमज़ान बाजारों में शिकायत बॉक्स भी रखा गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि खिजर अफजाल चौधरी ने मजीद बताया कि रमज़ान बाजार में आटे का 10 किलोग्राम का थैला 450 रुपये में, बीफ चिकन 12 रुपये फी किलोग्राम सस्ता मिल रहा है, जबकि सब्जियां फल भी खसूसी रियायत पे फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे।